नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों आज हम है वृंदावन और ये है प्रेम मंदिर। आप प्रेम मंदिर का ये एक तरीके से गार्डन देख सकते हो और क्या प्यारा लग रहा है मंदिर। भाई साहब इतना प्यारा, क्या फील हो रहा है मैं आपको बता नहीं सकता। इतना अच्छा मैं फील कर रहा हूँ अभी, इतना अच्छा वाइब आ रहा है। ओ माई गॉड दोस्तों, मैं चाहे कितना भी अच्छा वीडियो बना के दिखा सकूँ, मैं आपको दिखा दूँ कितना भी अच्छा वीडियो बना के दिखा दूँ, पर जो मैं वाइब फील कर रहा हूँ ना वो मैं आपको नहीं दिखा सकता भाई, मैं बता ही नहीं सकता। वो फील करने के लिए आपको यहाँ पे आना ही पड़ेगा। मतलब सच में इस मंदिर का अगर प्रेम मंदिर रखा गया है तो सच में इसको देखते ही मतलब एक अलग ही वाइब फील हो रही है भाई साहब। मतलब मैं आपको बताऊँ, मैं आपको बोलते हुए बोल रहा हूँ, मैं भी आपको उस वक्त मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बहुत ही प्यारी वाइब आ रही, बहुत ही प्यारी वाइब। आप देख सकते हो मतलब यहाँ पे कितने मतलब लोग आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए। बहुत अच्छी वाइब है, ऑसम वाइब, ऑसम। तो इसका इंटीरियर देख सकते हो कि नक्काशी देख सकते हो, बहुत ही प्यारा बनाया गया है, बहुत प्यारा। मैंने सुना था कि इसे नाइटिंग लाइटिंग शो जो है जो रात के टाइम पे जो शाम को ये लगभग 6 बजे के बाद से शुरू करते हैं वो बहुत ही प्यारा होता है। ये देख सकते हो आप, और जैसे जैसे ये अंधेरा होते जाएगा ना वैसे वैसे ये और ही ज़्यादा खूबसूरत होते जाएगा, और ही ज़्यादा आपको खूबसूरत लगेगा। मतलब ऐसा लगेगा, ऐसा फील आ रहा है यहाँ पे कि बस मैं यही बैठे रहूँ, मैं उठूँ ही ना, कहीं नहीं जाऊँ, यही मैं पूरी रात बैठूँ और इस मंदिर को निहारते रहो। मतलब प्रेम मंदिर, मतलब इसको देख के ही मुझे प्रेम हो रहा है। ओह माय गॉड, ऑसम भाई, ऑसम।